हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग CIIB का जो सेकंड पेपर है BFM, जिसमें जब आप लोग CIIB करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो सेकंड पेपर में आती है। उसका कारण क्या है? सेकंड पेपर में जो भी प्रॉब्लम आती है इसलिए आती है कि उसमें से अधिकतर टॉपिक में हम लोग अपने बैंकिंग टाइम में, अपने बैंकिंग जॉब में वो चीज़ वास्तव में नहीं करते हैं। सब कुछ हमारे लिए नया होता है और ज़्यादातर चीज़ें उसमें जो हमारे हेड ऑफिस हैं या सेंट्रल ऑफिस हैं वहाँ पर फंक्शन में होती हैं। इसलिए हम थ्योरी को अपने प्रैक्टिकल से कोरिलेट नहीं कर पाते और हम उन टॉपिक्स को बहुत आसानी से नहीं समझ पाते। तो आज मैं आपके लिए पूरा एक चार्ट मैंने बनाया है कि आप BFM को एक छोटी सी स्टडी से, टू द पॉइंट स्टडी से आप कैसे उसको क्लियर करें और बिल्कुल श्योरिटी हो कि आपका पेपर निकल जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, मॉड्यूल वाइज इस पूरे पेपर को हमने मॉड्यूल वाइज कवर करने की कोशिश करी है। तो पहला हम मॉड्यूल ले रहे हैं, पहला मॉड्यूल हमारा है मॉड्यूल ए। इस मॉड्यूल ए में अगर आप देखेंगे 7 यूनिट है। इस मॉड्यूल ए में 7 यूनिट हैं। 7 यूनिट में पहली यूनिट फॉरेक्स, इस यूनिट का नाम फॉरेक्स है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये पूरी जो यूनिट है, पूरा जो मॉड्यूल है वो फॉरेक्स ही है। और फॉरेक्स हम लोगों के, जब हम काउंटर में होते हैं तो बहुत कम ब्रांचें फॉरेक्स की होती हैं, बहुत कम लोग इसका एक्सपोजर रखते हैं, इसलिए हमको प्रॉब्लम होती है। तो पहला मॉड्यूल जो है पूरा मेरी नज़र में ये फॉरेक्स मॉड्यूल है। और फॉरेक्स मॉड्यूल में इन्होंने जो नाम दिया हुआ, पहले का फॉरेक्स दिया हुआ है, इस फॉरेक्स मॉड्यूल में जो थ्योरी आती है वो 3 नंबर की आती है। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें, रेट से रिलेटेड। तो फॉरेक्स मॉड्यूल में जो थ्योरी आती है उसमें रेट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि रेट क्यों फ्लक्चुएट करते हैं, कि रेट में जो फॉरेक्स के रेट हैं उसके फ्लक्चुएशन का क्या रीजन, वो भी थ्योरी का इसमें आता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ही आता है इसमें कि ट्रेजरी जो मैनेजमेंट है उसमें बैक ऑफिस, मिड ऑफिस और फ्रंट ऑफिस क्या होता है, ये इस तरह का थ्योरी का क्वेश्चन। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल में, ये बिल्कुल श्योर क्वेश्चन है 5 नंबर का न्यूमेरिकल। इसके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि आपके बुक में जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और उनके पीछे एक्सरसाइज अगर आपने बिल्कुल ठीक ठीक कर रखी है, आपको समझ में आती है, तो ये 5 to 8 marks आपके कहीं नहीं गए। और मेरा ये भी कहना है कि अगर फॉरेक्स में आपने ये नहीं सीख रखा है तो आपके जो 50 marks का जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली डाउन हो जाता है, वहां आपके 1 नंबर 2 नंबर कम हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह है तो ठीक है, नहीं है तो हमने यूट्यूब में फ्री वीडियो डाला, अगर आप उसमें फॉरेक्स न्यूमेरिकल की टेक्निक वाला वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको फॉरेक्स का न्यूमेरिकल आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी बिजनेस बैंकिंग लाइफ में हम लोग कर रहे हैं वो बैंकिंग में फॉरेक्स डेरिवेटिव्स कहलाता है। इसमें थ्योरी में 3 marks, इसमें ना तो न्यूमेरिकल का कोई क्वेश्चन आता है ना ही कोई केस स्टडी का आता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं बैंकिंग और NRI के अकाउंट्स, जैसे NRO, NRI, FCNR, RFC, RFCD, EFC, DDA और OCI, NOSTRO, VOSTRO, LORO। ये अकाउंट में थ्योरी में अगर क्वेश्चन आएगा इंडिविजुअल तो 2 marks का आ सकता है, लेकिन इसका पिछले कई बार से एग्जाम्पल है केस स्टडी में 5 marks का था। ये 5 marks क्या आते हैं कि एक NRI है, उसका TCS में जॉब लग गया, उसकी पोस्टिंग अमेरिका हो गई, 2 साल बाद उसने कुछ पैसे भेजने हैं, वो कौन सा अकाउंट खोले, वो अपने पैसे कन्वर्ट नहीं करना चाहता है, उसने एक हाउसिंग लोन ले रखा है, वो उसमें पैसे कैसे डाले। तो जब तक आपको अकाउंट्स की डिटेल्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपके 5 marks नहीं आएंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इसका वीडियो हमारा NRE NRO अकाउंट का जो वीडियो है वो बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देता है। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड है LC।
एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट, आपने जीआईबी में पढ़ा होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे तो दो आएंगे, लेकिन इसमें अगर न्यूमेरिकल आती है तो एक केस बना देगा, इतने का ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इतना आइटम है, इतना सेल करेगा, ये सब कुछ, इतना फ्रेट है, इतना इंश्योरेंस है, कितना इंश्योरेंस कर सकते हैं, फ्रेट कितना लगेगा, फाइनेंस कितना करना है, इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आ सकता है। केस स्टडी इसमें बहुत आती है, केस स्टडी में वो एक एलसी का पूरा डिटेल आपको स्टोरी करेगा, उस एलसी की स्टोरी में क्वेश्चन बीच में पूछेगा कि हु इज द ओपनिंग बैंक, हु इज द कंफर्मिंग बैंक, हु इज द बेनिफिशरी, हु इज द एप्लीकेंट, और कोई उसमें प्रैक्टिकल कोई फॉल्ट किया है किसी ने एलसी में जितनी पार्टीज हैं तो उसको किसका फॉल्ट है या नहीं है, इस तरह की केस स्टडी आएगी। अब आते हैं हम लोग फैसिलिटी पे। जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं या फॉरेक्स के अकाउंट होल्डर हैं उनको जो जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू अलाउड करती है वो इसमें आएगा। जैसे वो कितना रेमिटेंस कर सकता है, कितना मंगा सकता है, कितना होल्ड कर सकता है, इसमें जो है एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जो नए नॉर्म्स आए हैं उससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इसमें कोई भी थ्योरी या केस स्टडी का आमतौर पर क्वेश्चन नहीं दिया गया। अगला टॉपिक है, यूनिट है रिस्क, और आपको पता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन रिस्क कवर करने के लिए यानी इंश्योरेंस करती है एक्सपोर्ट का, तो इसमें से कोई कॉमन पॉलिसीज हैं इसमें, जैसे हमारी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती हैं, गाड़ियों की पॉलिसी होती है, ऐसी लोन की पॉलिसीज हैं, वो डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट है, उसमें से 2 मार्क्स थ्योरी का आ सकता है, और इसमें से कोई केस स्टडी आमतौर पर नहीं लिखी गई है। अब आते हैं 7 नंबर यूनिट पर। 7 नंबर यूनिट हमारी एग्जिम, फेमा और फेडाई, ये तीनों, ये 2 इंस्टीट्यूशन है और ये एक्ट है, एग्जिम बैंक है, फेमा एक्ट है और फेडाई इंस्टीट्यूशन है। ये तीनों आरबीआई के साथ कोऑर्डिनेशन करके कैसे हमारे वहां फॉरेक्स बिजनेस को रन कर रहे हैं उसके बारे में है। इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 111 3 नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें मिल सकते हैं। तो आप अगर हम टोटल देखते हैं तो थ्योरी इसमें कितना है 18, न्यूमेरिकल कितना है 8 से 12 और केस स्टडी में 5 से 10। अगर हम टोटल करें तो ये 25 से 30 मार्क्स का। इसका मतलब ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इजीली कवर की जा सकती है, कुछ थ्योरी एस्पेक्ट से लेके कुछ न्यूमेरिकल, और ये पूरी जितनी भी 25 से 30 मार्क्स के वीडियोस फ्री ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे, सारी थ्योरीज उसमें समझा रखी है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद, जैसे हमने मॉड्यूल ए का बताया, अब हम बताएंगे मॉड्यूल बी का। तो मॉड्यूल बी में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इतने टॉप यूनिट्स आपकी हैं, जिसमें से पहली जो 3 यूनिट्स हैं वो रिस्क से रिलेटेड है। जैसे 8 नंबर यूनिट है आपकी रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, दूसरी है रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस, तीसरी है रिस्क रेगुलेशन इन रिस्क इंडस्ट्री। तो मैंने इसको तीनों यूनिट्स को रिस्क रिलेटेड। अब इसमें क्या है, 4 से 6 मार्क्स 4 to 6 मार्क्स रिस्क रिलेटेड क्वेश्चंस में आएंगे, जिसमें से जितने टाइप के रिस्क होते हैं अगर आपको उनकी सबकी डेफिनेशंस या वो क्लियर है तो आपके ये मार्क्स कहीं नहीं गए। ये मार्क्स चाहे इंडिविजुअल आए या केस स्टडी के फॉर्म में आ सकते, एक केस स्टडी बना देगा किसी बिजनेस की या बैंकिंग बिजनेस की, उसको पूछेगा ऐसा हो गया, उसने पेमेंट में डिले कर दी कौन सा रिस्क है, उसने जल्दी लोन अदा कर दिया तो कौन सा रिस्क है, किसी बोरोवर ने डिले पेमेंट करी तो कौन सा रिस्क है, तो वो सारा डेफिनेशन इसमें है। और इस रिस्क में बेसिल के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें फ्रेमवर्क की बात करा, तो बेसिल के अकॉर्डिंग टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल का बाइफर्केशन, एडिशनल टीयर 1 कोर टीयर 1 कैपिटल कंजर्वेशन बफर, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल आता है जो कि न्यूमेरिकल में
5 to 7 मार्क्स का होगा, 5 का एक प्योर क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स के अलग अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। तो ये जो रिस्क वाला टॉपिक है, कुल मिलाकर के 10 से 15 मार्क्स का ये टॉपिक है, थ्योरेटिकल है इसको छोड़ करके। ये न्यूमेरिकल है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में भी कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैपिटल कौन सी है और उसमें ऐड करके उसके आंसर्स को देना। अब आते हैं हम CMO, क्रेडिट मार्केट और ऑपरेशन। इसमें बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि इसमें थ्योरी ईच रिस्क से 1 से 2 मार्क्स की पूछ सकता है। दूसरा, यहां पर हर यूनिट से 5 से 8 नंबर के न्यूमेरिकल बनते हैं। आमतौर पर ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिलते हैं। ये क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल नाम से या केस स्टडी नाम से मिलेंगे, जो कि 18 से 28 या 15 से 30 मार्क्स के होंगे। अगर आपको इनको करने में कोई प्रॉब्लम हो तो इनके भी हमने YouTube में लेक्चर डाल रखे हैं। इंडिविजुअल्स टीयर 1 का अलग निकालने का डाल रखा है, इसका अलग डाल रखा है, इसका अलग डाल रखा है, इसका अलग डाल रखा है। तो आप मेरे चैनल से देख करके, अगर आपको ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने उसमें डाल रखे हैं अगर आपको ठीक लगते हैं तो उनको जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, उनको सब्सक्राइब करने को बोलिए, क्योंकि मेरे चैनल में ये सारे टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंड होंगे। आप उनको देखिए, ये मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। अब आया लिक्विडिटी रिलेटेड मैनेजमेंट, उसमें भी 2 मार्क्स का थ्योरी आ सकता है। बेसल 3 फ्रेमवर्क, उसमें भी आ सकता है। अच्छा, एक चीज और है, एक अक्सर क्वेश्चन पूछता है अप्रोचेज पे। आपको ये पता होना चाहिए, ये जितनी भी कैलकुलेशंस रिस्क की हो रही हैं, चाहे वो मार्केट हो, क्रेडिट हो या ऑपरेशन, तीनों के तीन तीन मेथड है। मेथड मीन्स अप्रोचेज। तो एक क्वेश्चन हर साल इस बात का आता है कि मार्केट रिस्क या ये रिस्क कौन सी अप्रोच से निकाला, या जब न्यूमेरिकल आता है तो कहता है इस अप्रोच से इस रिस्क का कैलकुलेशन करिए। इसके साथ इसमें बेसिल का जो पूरा ये चार्ट है, जो कि फैक्चुअल में रहेगा, तो इस तरह आएगा कि टीयर 1 कितनी होनी चाहिए, सेट 1 कितनी होनी चाहिए, सीसीबी कितना होना चाहिए। ये मेरा ये जो इतना चीज है, इतना थ्योरी आपको बेसिल के मेरे जो बेसिक लेक्चर है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम टोटल देखें तो देखिए, ये जो है थ्योरी का पार्ट 14 से 16 मार्क्स का, और न्यूमेरिकल का 18, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 18 से 28 मार्क्स का, और 3 मार्क्स का इसमें केस स्टडी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बी मॉड्यूल में लगभग 32-35 मार्क्स का आएगा, जिसमें से थ्योरी 14-16 होगी और ये 18-28 होगी, और इधर 3-5 मार्क्स की हो सकती है। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों मॉड्यूल ही सेल्फ सफिशियंट है पास होने के लिए। इन दोनों मॉड्यूल को बहुत अच्छे तरह से आपने किया हुआ है तो कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम आती है कि ये हमारा बी मॉड्यूल और डी मॉड्यूल, इसमें बेसल का खूब है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते तो बेसल का जो मास्टर सर्कुलर आरबीआई की वेबसाइट पर है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है उसमें कंट्रोल एफ करके वहां देखिए, उस पैराग्राफ को पढ़िए, क्योंकि ये बुक है, बुक उसी सर्कुलर का एक्सट्रैक्ट है। बहुत डिटेल सर्कुलर है, लेकिन जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो वो चीज आप उस सर्कुलर में देख लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद बी मॉड्यूल के बाद हमारा कौन सा मॉड्यूल शुरू हो जाएगा, सी। चलिए, जो मॉड्यूल सी है उस मॉड्यूल की खास बात यह है कि केवल 50-60 पेजों में मॉड्यूल है और प्योरली मेरे हिसाब से थ्योरेटिकल। तो इसमें आप देखेंगे हर टॉपिक में लगभग 3 से 5 नंबर का थ्योरी, या इन सब टॉपिकों को मिलाकर के 5 नंबर की केस स्टडी ले सकता है। और ये टॉपिक उनके लिए अच्छा है जिन्होंने JIB में अपना RBI और ट्रेजरी मैनेजमेंट का अच्छे से पढ़ा था, जैसे ट्रेजरी बिल, रेपो, रिवर्स रेपो,
कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और CBLO, इस तरह के सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, पुट कॉल ऑप्शंस, ये सब चीज़ें जिन्होंने पढ़ी हैं वो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। ALM एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, इसमें जो ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि ट्रेजरी के कौन कौन से पार्ट हैं, वो क्या क्या करते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए बैंकों में मैनेजमेंट यानी कि टॉप मैनेजमेंट में कैसे कैसे उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिफरेंट उनके टास्क क्या हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थ्योरेटिकल पेपर है, जिनको थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है वो इस पेपर को पढ़ सकते हैं। और अगर आप यहाँ देखें तो इसमें 20 से 25 मार्क्स थ्योरी में और करीब 5 मार्क्स केस स्टडी में आ सकते हैं। मॉड्यूल सी में एक न्यूमेरिकल और आता है, CRR और SLR को कैलकुलेट करने का। तो CRR और SLR में कौन कौन से आइटम आपकी लाइबिलिटी से लिए जाते हैं, DTL, NDTL जो टर्मिनोलॉजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और कई बार आया हुआ CRR और SLR कि इस बैंक का NDTL कितना है, DTL कितना है, कितना CRR मेंटेन करना पड़ेगा, ये आपका जो ट्रेजरी वाला जो टॉपिक है उसमें से आता है। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल डी की। तो मॉड्यूल डी में आप देख रहे हैं कि 22 से लेकर के 30 तक के टॉपिक हैं, और ये यूनिट, ये मॉड्यूल और बी मॉड्यूल जो बच्चे न्यूमेरिकल पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखिए कि बी मॉड्यूल में भी न्यूमेरिकल का पार्ट काफी है और इसमें भी काफी है, मतलब 30 से 35 नंबर न्यूमेरिकल के इन दो यूनिट से आ रहे हैं केवल, ठीक है। अगर हम टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला बैलेंस शीट से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें आपका रेशियोज पूछ लेता है कभी कभी, और कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस डिफरेंट की आइटम कौन से एसेट्स का है, इस तरह से बैंकिंग रेगुलेशन एंड कैपिटल में से दो थ्योरी के क्वेश्चन, कैपिटल एडिक्वेसी में करार का क्वेश्चन आता है, और ये करार निकलवाता है आपसे, तीनों रिस्क होते हैं उन पे रिस्क पे करार निकलवाता है, ठीक है। सुपरवाइजरी रिव्यू में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पिलर 3 में जो मार्केट डिसिप्लिन है उसमें से 2 नंबर थ्योरी, NPA में से 2 नंबर थ्योरी, लेकिन इसमें से न्यूमेरिकल 5 नंबर का प्रोविजनिंग बेस्ड या आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स हो सकता है, ठीक है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में 2 नंबर, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है दोनों, इन दोनों के लिए आपके लिए मेरे लिए एडवाइस है, इन दोनों टॉपिक में जितने भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आप उसको रट लें बिल्कुल। कई बार ड्यूरेशन गैप का क्वेश्चंस, वैल्यू एट रिस्क का क्वेश्चंस, और डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट रिस्क का, इंटरेस्ट रेट रिस्क का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, आप बुक में जितने क्वेश्चन हैं उनको कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये 18 नंबर का, ये 15 नंबर का केस स्टडी इनमें से मिला के कोई आ सकती है, या तो यही चीज आ सकती है, तो कुल मिला के ये। तो आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल में जो जिन बच्चों का न्यूमेरिकल अच्छा है वो बी और डी पे ध्यान दें, जिनका थ्योरी अच्छा है वो ए और सी पे ध्यान दें। सारे ही यूनिट के न्यूमेरिकल तो हमने अपने वीडियो में सारे डाल रखे हैं, आप इनको देखिए, इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए, हम उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप YouTube की बजाय पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी सारा डिटेल हमने अपने चैनल पे दिया है, जिसमें 31 अगस्त तक का ऑफर चल रहा है, आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगता है आपको तो आप अपने फ्रेंड को रेफर करिए, उनको शेयर कराइए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।